गुड आफ्टरनून भाई, सबको गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार बताइएगा। सेशन लाइव हो गया है क्या? सेशन लाइव हो गया, ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार बताइएगा ज़रा। चलो जी, आ जाइए, करते हैं शुरुआत। करिए जी शुरू। हाँ जी, दे से दैट यू बीट हिम। वो ऐसा कहते हैं कि तू उसे पीटता है। वो ऐसा कहते हैं कि तू उसे पीटता है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखने की समझने की कोशिश करिए कि से वर्ब का पैसिव कहाँ पे दे रखा है। यू आर टोल्ड टू बीट हिम, इधर देखना मीनिंग क्या है। दे से दैट यू बीट हिम, वो कहते हैं कि तू उसे पीटता है। दे से यू बीट हिम, वो कहते हैं तू उसे पीटता है। और यहाँ पे क्या मीनिंग है? यहाँ मीनिंग है यू आर टोल्ड टू बीट हिम, तुम्हें कहा जाता है उसे पीटने के लिए। यहाँ पे क्या लिखा गया? यू आर एडवाइज टू बीट हिम, तुम्हें सलाह दी जाती है कि उसे पीटो। यू बीट हिम दैट इज सेड बाय देम, इज सेड भी नहीं लिखा, दैट सेड बाय देम। यू बीट हिम, तुम उसे पीटते हो, सेड बाय देम। ये इज सेड वगैरह कुछ तो लिख, पैसिव करना है तो। तुमने तो टेंस ही चेंज कर दिया, से का सेड कर दिया, ये पैसिव है, इसमें टेंस थोड़ी चेंज होता है। इसका आंसर आपको मार्क करना पड़ेगा। ये इसमें से का पैसिव नहीं है, लेकिन इसमें पैसिव है इसका बीट का, इस बिटन का रखा है। अगर इसके अंदर कुछ ऐसा होता ना, इट इज सेड बाय देम, इट इज सेड बाय देम दैट ही इज बिटन बाय यू, फिर और भी सही हो जाता, फिर दोनों का पैसिव हो जाता। ये जो से है, अगर इसका पैसिव करना था, एक्चुअली है क्या ना, देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये पूरा का पूरा जो क्लॉज है, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और जब पूरे के पूरे क्लॉज को सब्जेक्ट बनाना होता तो इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लगाते हैं, तो ये ऐसे बनता, इट इज सेड बाय देम, ऐसे करके इसका पैसे बनता, इट इज सेड बाय देम दैट ही इज बिटन बाय यू, तो वो बेस्ट ऑप्शन होता, लेकिन वो है नहीं अभी, तो चारों में से तो ये वाला सबसे बढ़िया। इसमें बताइए,
एक्चुअली क्या है ना, ये मैं चेंज कराना चाह रहा था ये ऑप्शन, ये स्लिप ऑप्शन भी जिन्होंने मार्क किया आप नंबर ले लीजिएगा, लेकिन जो ईडीएम होता है ना बच्चे उसके अंदर क्रम्बलिंग ही होता है, ठीक है। मैं समझ गया आपने वो पैरों नीचे जमीन खिसकने वाला जो सिस्टम है वो लगा दिया, लेकिन जो असली ईडीएम है वो यही है, ग्राउंड क्रम्बलिंग बीनीथ माई फीट, ये ईडीएम होता है। और इसका मतलब क्या है, समथिंग टोटली अनएक्सपेक्टेड हैपेंड विच रिवर्स द सिचुएशन इन एन अनफेवरेबल वे। कहने का मतलब कोई ऐसी चीज थी जो बिल्कुल अनफेवरेबल हो गई अचानक से, जिसके कारण सारी सिचुएशन पलट गई, आपके विपरीत चली गई। तो जो ईडीएम है, जो असली ईडीएम है, उसमें क्रम्बलिंग है वर्ड। हालांकि काफी जगह इनफॉर्मल में अपन ग्राउंड मेरे पैरों के नीचे स्लिप हो गया ये वाला फ्रेज भी अपन यूज करते हैं। मैंने एक्चुअली इसको हटवाना था लेकिन वो करेक्शन होनी रह गई, तो जिसने ये मार्क किया कर लेना, लेकिन अगर पेपर में आ जाए ना, पेपर में आ जाए तो उसमें आप क्रम्बलिंग ही मार्क करके आइएगा, क्योंकि असली ईडीएम क्रम्बलिंग वाला ही, ठीक है। कट अबव द रेस्ट इस ईडीएम का मतलब होता है बाकियों से अच्छा होना। अगर मैं कहूँ ही इज कट अबव द रेस्ट, तो मतलब ये बाकियों से क्वालिटी में बहुत अच्छा है, बाकियों में से सुपीरियर है, बाकियों से बढ़िया है। तो पुराना ईडीएम था यार ये, कैसे आपने गलत कर दिया इतना। कट अबव, बाकियों से ऊंचा है, तुमने तो डिफरेंट कर दिया, बाकियों से बढ़िया है। जनरली ये जो फ्रेज है तब यूज होता है, मान लो बाकी सारे स्टाफ में सारे करप्ट हैं, एक जो है भैया अबो बोर्ड, आपने ईडीएम सुना होगा अबो बोर्ड, जो बड़ा ऑनेस्ट होता है, उस केस में यूज होता है कि भैया बाकियों से क्वालिटी में सुपीरियर है, बाकियों में मॉरल एथिक्स में सुपीरियर है। हाँ जी, आफ्टर रिटर्न फ्रॉम स्कूल रघु हेल्प्स हिज फादर इन हिज स्मॉल टी शॉप। स्कूल से आने के बाद रघु जो अपने पिताजी की हेल्प करता है उसकी छोटी चाय की दुकान पे। आफ्टर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पे क्या आएगा, आफ्टर रिटर्न फ्रॉम स्कूल, ये कोई क्लॉज नहीं है, ये कोई क्लॉज नहीं है, आफ्टर प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आफ्टर प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट क्या आते हैं, क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन होते हैं। वर्ब को नाउन बनाना तो क्या करते हैं, जिरंड बना देते हैं। तो आफ्टर रिटर्निंग लिखना था, यहां पे लिखना था आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। इनमें से कौन से वर्ड की स्पेलिंग सही है, गलत नहीं, सही है। इनमें से कौन से वर्ड की जो स्पेलिंग है वो सही है। आज का सेट थोड़ा सा आसान रखवाया कंपैरेटिवली, जो अपन रोज करते हैं उसे हल्का आसान है आज का सेट। सिर्फ पोल में आंसर देने की कोशिश करो यार, कमेंट में क्यों आंसर दे रहे हो। जिनको पोल नहीं दिख रहा अपनी ऐप अपडेट कर लो बच्चे, पोल दिखने लग जाएगा आपको। हाँ जी,
इनमें से कौन सी स्पेलिंग जो है वो सही है। एप्रीहेंशन की जो स्पेलिंग है वो सही है, बाकी इंटेंशन में आई आना था, इमेजिनेशन, कंफ्यूजन, इन सब की स्पेलिंग जो है वो गलत है। इसमें बताइए, पुल नो पंचिस का मतलब क्या होता है? पुल नो पंचिस, जैसे जैसे मैं किसी को मुक्का मारने वाला हूं, फिर मैं हाथ वापस ले लूं, अब मैंने अपना मुक्का वापस खींच लिया, मैंने अपना मुक्का वापस खींच लिया, यानी बेसिकली क्या है, मैंने सामने वाले पर दया कर दी, ठीक है चलो यार ये वाला काम नहीं करते अपन, लेकिन ये आदमी कोई पंचिस वापिस पीछे नहीं खींच रहा, कोई पंचिस वापिस पीछे नहीं खींच रहा, यानी सीधा जो मन में आ रहा कह रहा है, जो मन में आ रहा सीधा सीधा वो कह रहा है, सोच नहीं रहा कि इससे सामने वाले को बुरा लग सकता है, ये हो सकता है वो हो सकता है, कुछ नहीं सोच रहा। तो स्पीकिंग फ्रेंकली, यानी बिना बिना कोई सोचे समझे कि सामने वाले को क्या लगे, फ्रेंकली जो इसके मन में आ रहा है वो बोल रहा है। फ्रेंकली या ब्लंटली और अच्छा वर्ड होता, ब्लंटली जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है। फ्रेंक से आप यहाँ पे फ्रेंड वाला मत समझ लेना कि ये भैया अच्छी बातें बोल रहा है वो कोई, फ्रेंकली से यहां मतलब है ब्लंटली, जो मन में आ रहा सीधा वही बोल रहा है। बेनेवोलेंट कौन होता है? बेनेवोलेंट होता है जो बड़ा काइंड हो, दूसरों का भला चाहता हो, है ना। अच्छा, अफेक्शनिस्ट, जो दूसरों के प्रति अफेक्शन रखे, प्यार करे। स्पाइटफुल कहने वाला, जिसके मन में दूसरों के लिए द्वेष की भावना हो, आपको सिनोनिम बताना है। चैरिटेबल, जो खूब दान दक्षिणा करता हो। फ्रेंडली, फ्रेंडली नेचर का हो। इनमें से बेस्ट वर्ड कौन सा है? क्लोज है, क्लोज है, अफेक्शनेट भी क्लोज है, चैरिटेबल, फ्रेंडली। बेनेवोलेंट का मतलब होता है जो काइंड हो, दूसरों का भला चाहता हो, अक्सर अक्सर ये वो होता है जो अच्छे कार्य करता है, यानी दान दक्षिणा भी खूब देता है। तो इनमें से बेस्ट वर्ड जो है वो रहेगा जी चैरिटेबल, बी। क्लोज ऑप्शंस है, लेकिन इनमें से अगर बेस्ट छांटना हो तो चैरिटेबल माना जाएगा। वैलिडेट का एंटनिम, वैलिडेट का एंटनिम, वैलिडेट का उल्टा। अगर आप किसी चीज को वैलिडेट करते हो तो पक्का करते हो, है ना। वैलिडेट करने का मतलब क्या होता है? उसकी पुष्टि करना, उसको पक्का करना, ऑथेंटिकेट करना, पक्का करना, ठीक है। इन जेन्युइन का मतलब होता है फेक। अच्छा, लीगलाइज का मतलब क्या होता है? फिर से उसको लीगल बना देना।
इनजेन्युइन एडजेक्टिव है, मुझे यहाँ पे वैलिडेट वर्ब है, वैलिडेट है वर्ब, तो इसका आंसर भी वर्ब वाला ही आएगा। डिसअप्रूव मतलब किसी चीज को डिसअप्रूव कर देना कि ये चीज सच नहीं है। इसका मतलब है किसी चीज को पक्का करना कि हाँ भैया ये चीज सही है, और इसका मतलब है किसी चीज को झुकला देना कि ये चीज सही नहीं है। तो एंट्री मार्क होगा जी आपका ए। इसको करिए जरा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सवाल है, थोड़ा सोच समझ के, है ना। टेंस से इसमें पता नहीं चलेगा क्योंकि टेंस सब में ही सही दे रखा है ऑलमोस्ट। थोड़ा और सोचो, मेरे दोस्त ने कहा कि मैं वन एंड फॉर हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। मेरे दोस्त ने कहा कि मैं आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हैव बीन वेटिंग है, हैड बीन वेटिंग में चेंज हो जाएगा। हैड बीन वेटिंग, हैड बीन वेटिंग, हैड बीन वेटिंग, ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सरासर गलत है, इसमें हैज बीन वेटिंग था। अब बचे मेरे पास तीन ऑप्शन। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, आस्क का मतलब या तो पूछना होता है या किसी कुछ कहना होता है। आस्क का मतलब या तो पूछना होता है या फिर आई आस्क्ड हिम टू गो अवे, मैंने उसे कहा दूर चले जाने के लिए। आस्क का मतलब या तो पूछना होता है या होता है किसी को कुछ करने के लिए कहना। यहाँ पे क्या दोनों में से कोई मीनिंग है? नहीं। अच्छा, टेल वर्ब जो होती है, अगर आपको याद हो, टेल वर्ब डाई ट्रांजिटिव होती है। टेल वर्ब बिना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नहीं आ सकती। माई फ्रेंड टोल्ड मी लिखे बिना ये लिखना पॉसिबल नहीं है। माई फ्रेंड टोल्ड मी लिखे बिना ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपना बेस्ट ऑप्शन जो है वो माना जाएगा जी बी। टेल वर्ब डाई ट्रांजिटिव होती है, बिना ह्यूमन बीइंग को ऑब्जेक्ट बनाए उसको लिखा नहीं जा पाएगा, इसीलिए मैंने कहा था ऑप्शन क्लोज हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए, इसीलिए इतना टाइम भी दिया था। लेकिन आप लोग अपना मस्ती में बिजी हो भाई। जो लोग कमेंटों में आंसर दे रहे हैं, यार ये पोल क्या और बारातियों के लिए चलाए जा रहे हैं कि डू यू नो, क्या तुम जानते हो कि ये जो ब्लाइंड आंट्स हैं, ये जो अंधी चींटियां हैं, ये अपना रास्ता कैसे ढूंढती हैं, ये वापसी घर अपने बिल में मतलब कैसे पहुंच जाती हैं? इन अंधी आंट्स के लिए जो सेंस ऑफ टच और स्मेल होता है,
सेंस ऑफ टच और स्मेल होता है, यही मेन मदद करता है इनकी। ये क्वेश्चन है और ये फिर उसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ये कहाँ पे लगा होता है ये सेंस का इनका, ये इनके एंटीना और फीलर्स के अंदर लिखा होता है, लगा होता है। तो यहाँ पे अपना आंसर बनेगा SPR से। बहुत आसान, खत्म सवाल। फिर बता रहा हूँ बच्चे, आज का जो सेट है थोड़ा इजी बनवाया गया है, इसके अंदर मैक्सिमम स्कोर आना चाहिए आपका। जितना अपन रेगुलरली करते हैं उससे बहुत हल्का सेट है आज का। रिटर्न के साथ बैक नहीं आता, टिक करो अपना, आगे बढ़ो। इससे आसान सवाल तो कोई क्या पूछे, इसमें भी 70% कर रहे हो। क्या तैयारी कर रहे हो तुम, पता नहीं लग तो नहीं रहा मुझे कोई तैयारी वैरी चल रही है तुम्हारी। जब तुम रिटर्न के साथ बैक नहीं आता, यही सवाल नहीं कर पा रहे, क्या उम्मीद करेगा तुमसे कोई। हम अपने डेस्टिनेशन पर कब पहुंचेंगे, हम अपने डेस्टिनेशन पर कब पहुंचेंगे। अराइव के साथ प्रीपोजिशन आती है बच्चे एट, अराइव के साथ प्रीपोजिशन आती है एट। ये बाकियों ने, ए इतने लोगों ने किया है, क्या दिमाग लगाया भाई, थोड़ा ज्ञान का प्रकाश मेरे ऊपर भी डालोगे, थोड़े ही अपने ज्ञान के छींटे मेरे ऊपर डालने की कृपा करोगे, बताओगे मुझे जरा कि क्या दिमाग लगाया। विल लगा दे हैं, स्पेशली पढ़ाया था मॉडल चैप्टर में कि जब वी या आई सब्जेक्ट होते हैं तो इंटरोगेटिव में विल नहीं शैल लगाते हैं, हैं? बताना जरा। ये ए इतने लोगों ने मार्क किया, 40% के करीब लोग ए मार्क कर रहे, क्या ज्ञान के छींटे मेरे ऊपर भी डाल लो, मैं ज्ञान लेना चाह रहा हूं, क्या गलती इसमें वेन शैल वी में। देखो समझना यहाँ पे, अच्छा सवाल है ये। इन अदर 10 ईयर्स, कोई और 10 ईयर्स में आदमी सीख चुका होगा, आदमी शायद सीख चुका होगा और थोड़ा लंबा जीना, ये जो एडवांस ह्यूमन जीनोम रिसर्च चल रही है इसके चलते, ठीक है। आदमी और बेसिकली इन अदर 10 ईयर्स का मतलब होता है और 10 सालों में, ठीक है। और 10 साल का मतलब यहाँ पे नेक्स्ट 10 साल नहीं है, समझ आ रही मेरी बात। जैसे अगर मैं कहूँ क्या कोई और ऑप्शन है क्या, हाँ देर इज सम अदर ऑप्शन, इज देर एनी अदर ऑप्शन, यस देर इज सम अदर ऑप्शन ऑल्सो, कोई और ऑप्शन, वो और 10 सालों में।
रफ 10 सालों में, रफली 10 साल होता तो भी सोचते, प्रोबेबली 10 सालों में, प्रोबेबली 2 बार रिपीट कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होगा। अच्छा अनदर 10 ईयर्स, 10 साल और आगे, अभी जो चल रहा है पीरियड उससे 10 साल और आगे में देखना तुम ये काम हो जाएगा। अनदर का मतलब होगा, अनदर का मतलब होगा जितना अभी है ना उससे 10 साल और आगे, जैसे समझना। अनदर का मतलब होता है इन एडिशन टू समथिंग। मान लो तुम खा रहे हो, ठीक है, रोटी खा रहे हो, 5 रोटी खा ली, अब माँ पूछ रही है वुड यू लाइक टू हैव अनदर, एक और लेना पसंद करोगे। अनदर का मतलब होता है जितना अभी हो गया उससे आगे। तो यहाँ पे 10 ईयर्स का मतलब होता है कि अभी से 10 साल और आगे, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो आएगा जी अनदर। बहुत बढ़िया सवाल कहूंगा मैं इसको। अदर कोई रैंडम होता है, अभी से आगे 10 साल के लिए अनदर वर्ड का यूज होगा, ना कि अदर का। देख लो आराम से, फिर मत कहना सर ओहो सॉरी नजर नहीं आया। स्मगलर्स डिड नॉट रियलाइज, स्मगलर्स को एहसास नहीं हुआ कि उनकी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड की जा रही थी। स्मगलर्स को एहसास नहीं हुआ था कि उनकी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड की जा रही थी। Someone did not realize, किसी ने रियलाइज नहीं किया, किसी ने रियलाइज नहीं किया कि स्मगलर ने रियलाइज नहीं किया, गलत हो गया। कॉन्वर्सेशन वॉज रिकॉर्डेड वेन स्मगलर्स डिड नॉट रियलाइज, कॉन्वर्सेशन उस समय रिकॉर्ड हो रही थी जब स्मगलर रियलाइज नहीं कर रहे थे, ऐसा कुछ कहना है क्या? कॉन्वर्सेशन वॉज रिकॉर्डेड, यहाँ पे वॉज बींग रिकॉर्डेड है, वहां पास्ट कॉन्टिन्यूस बनना था, गलत हो गया। स्मगलर्स रिकॉर्डेड देयर कॉन्वर्सेशन, स्मगलर ने अपनी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर दी, वाह शाबाश। तो आंसर आएगा जी ये, स्मगलर्स ने रियलाइज नहीं किया कि कोई उनकी कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर रहा था। यहाँ पे पैसे में बाय समवन लिखा नहीं हुआ है, क्योंकि अक्सर कोई रैंडम पर्सन होता तो बाय समवन अपन लिखते नहीं है, लेकिन एक्टिव बनाओगे तो सब्जेक्ट देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब फिर वही बात, यहाँ पे अगर दोनों क्लॉज का पैसिव करना है ना, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये पूरा का पूरा क्लॉज, ये नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट है। अगर आप चाहते हो कि दोनों क्लॉज का मैं पैसिव कर दूं, तो फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, इट वॉज नॉट रियलाइज्ड, इट वॉज नॉट रियलाइज्ड बाय द स्मगलर्स दैट समवन वॉज रिकॉर्डिंग देयर कॉन्वर्सेशन। दोनों क्लॉज का अगर पैसिव करना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर वो ऑप्शन में होता तो वो और बढ़िया होता, लेकिन वो है नहीं, तो फिर यही टिक करना पड़ेगा। इसको करिए, माँ जो है वो गुस्से से चिल्लाई, जैसे जी करे वैसे कर, मैं मुसीबत के समय तुझे मदद कर करके थक गई हूं। डू एज यू विश, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, एक में ही आ रहा है, टिक करिए, आगे बढ़िए।
इस पे आइए। बहुत घिसा पिटा है, पुराना है। क्लोज्ड स्पेसेस से डर लगना कि थोड़ा सा कमरे में बंद कर दिया जाए तो ऐसे घुटन सी होने लग जाती है, डर लगने लग जाता है। कहीं अगर तुम्हें सोफे में या बेड बेड में बंद कर दिया फिर तो तुम बिल्कुल ही है क्लॉस्ट्रोफोबिया। अगोराफोबिया क्या होता है? एक्सट्रीम इरिटेशन, फियर ऑफ ओपन स्पेसेस और पब्लिक, खुली हवा में इसको बंद कर दे तो डर जाता है, इसको खुले में छोड़ दे तो डर जाता है। जेनोफोबिया, फॉरनर से डर या फॉरन की चीजों से घिन होना, फॉरनर या फॉरेन की चीज़ों से डर होना या घिन होना, अच्छी ना लगना, द्वेष की भावना होना। पैरानोइया का मतलब क्या होता है? हमेशा ये सोचते रहना कि लोग आपको नुकसान पहुंचाने चाहते हैं, हर व्यक्ति पे संदेह करते रहना। इसमें बताइए, ये तो बचपन में कहानी पढ़ी होगी, इतनी तो उम्मीद कर ही सकते हैं तुमसे, ये तो ठीक कर ही दोगे। ये फॉक्स और क्रेन बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन फॉक्स दिखाना चाहता था कि लोमड़ी दिखाना चाहती थी, भैया मैं तो स्मार्ट हूँ बहुत ज़्यादा। इसने इसको घर पे बुलाया, खाना दे दिया प्लेट में। अब खुद तो प्लेट से, तो इसने तो हाथ से मुंह से चाट चाट के पंजों से खा लिया है ना। अब उसकी इतनी लंबी चोंच, वो प्लेट में इतनी सी हाइट, वो तो ऐसे लंबी चीज मतलब डेप्थ हो जिसमें उसमें खा पाएगा, तो ये बेचारा खा नहीं पाया। फिर इसने भी अगले दिन उसको इनवाइट कर लिया, और इस बार लंबी सी बोतल टाइप की उसमें बीकर में दे दिया खाना, तो इस बार ये नहीं खा पाया। हिसाब बराबर, तो ज्यादा तेज नहीं बनना चाहिए। इसमें आइए जरा। वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, कोई ऐसा पर्सन जो किसी चीज पर डिपेंडेंट हो गया है, खास करके ड्रग्स वगैरह पर, क्या बोलते हैं उसको? एडिक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिक्ट बोलते हैं। एडामंट जिद्दी होता है, इलिसिट किसी से इंफॉर्मेशन को गुलाना होता है, डेरिलेक्ट होता है, इन अ वेरी पुअर कंडीशन एज अ रिजल्ट ऑफ डिसयूज और निगलेक्ट, किसी चीज को जब आप छोड़ देते हो तो बहुत बुरी कंडीशन में, क्योंकि उसको देख रेख नहीं करेगी, मैनेज नहीं करा गया, कोई बिल्डिंग्स वगैरह के लिए लगा सकते हो। इनमें से कौन से सेंटेंस में ग्रामेटिकली गलती है? इनमें से कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है? SK9 हंटर पूछ रहे हैं, सर उन्होंने खाना सर्व कैसे किया होगा? बिल्कुल सही यार, वो तो जानवर हैं, कैसे प्लेट व्लेट में दे सकते हैं ना। तुम इस क्वेश्चन को छोड़ ही आना भाई, ठीक है? अब तुम्हें कसम है, देखो पेपर में तुम्हारे ऐसा सवाल आया, तुम्हें मम्मी कसम है तुम छोड़ के आओगे, क्योंकि वो खाना सर्व कर ही नहीं सकते।
इलॉजिकल क्वेश्चन है ना बाबू, छोड़ के आना बिल्कुल, मम्मी कसम है तुम्हारे पेपर में आया तो बिल्कुल कर मत आना। हाँ जी, ही टेक्स पेन पेन्स ओवर हिज वर्क। एक तो होता है पेन, दर्द, और एक होता है एफर्ट्स डालना। उसमें पेन का प्लूरल पॉसिबल है, और टेक पेन ओवर सम पेन्स ओवर समथिंग का मतलब होता है किसी काम को अपना मेहनत से एफर्ट लगाकर करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इट इज 9:45, यानी 9:45 बजे हैं मेरी घड़ी के हिसाब से। बाय माई वॉच एक्सप्रेशन यूज होता है घड़ी में टाइम के लिए। इट इज 3 AM बाय माई वॉच, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ब्रिज अक्रॉस द रिवर भी हो सकता है, ओवर द रिवर भी हो सकता है। अगर मान लीजिए ये ब्रिज है ऐसा, ये नदी है, ऐसा ब्रिज है जो बस किनारों से शुरू होता है और किनारे पर ही खत्म हो जाता है। मान लो नदी का लेवल काफी नीचे रहता है तो किनारे से ही शुरू कर दिया, यहीं का यहीं ऐसे बना दिया, तो ये ब्रिज कहलाएगा अक्रॉस द रिवर ब्रिज। और अगर मान लीजिए ब्रिज मैंने बनाया नदी के ऊपर, ऐसे काफी दूर से शुरू किया, ऐसे ऊंचा उठा के ऐसे बना रखा है, अभी नदी बहुत नीचे रह जाती है, ब्रिज काफी दूर से शुरू होकर उससे काफी ऊपर से निकलता है, तो वो ओवर द रिवर होगा, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे है, एक्ट वर्ब है, तुमने एक्ट किया, तुमने एक्ट किया कैसे, एक्ट किया तुमने एक्ट किया कैसे, बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा नोबल तरीके से एक्ट किया। तुमने एक्ट किया कैसे, बाकियों से ज्यादा नोबल तरीके से एक्ट किया। नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, ये तो एडजेक्टिव होता है। मुझे यहाँ पर एक्ट वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए था, तो यहाँ पे मोर नोबली लिखना था, यू हैव एक्टेड मोर नोबली लिखना था। चलिए इसको करिए जरा अरेंज। ये बात बड़ी मिसलीड करने वाली है, ये बात बड़ी मतलब गलत ट्रैक पर डालने वाली है, सामने वाले से कंफ्यूज होगा, मिसलीड होगा कि कंप्यूटर जो है वो अपनी मर्जी से सोच सकते हैं। इट इज वेरी मिसलीडिंग टू से दैट कंप्यूटर कैन थिंक लाइक पीपल एज दे कांट थिंक। ऐसा कह देना कि कंप्यूटर जो है इंसानों की तरह सोच लेंगे, तो नहीं भैया ऐसी ये बात सही नहीं है। वो अपना खुद का कोई दिमाग नहीं लगा सकते, उनका खुद का कोई, दे हैव नो मोर ब्रेन, नो मोर अ माइंड ऑफ देयर ओन देन अ लॉन मोर। जो घास काटने वाली मशीन होती है ना,
उससे ज्यादा दिमाग नहीं है उनके अंदर, कोई उनका खुद का कोई दिमाग नहीं होता, इंसान ही प्रोग्रामिंग करता है, जो काम कराना है उसके हिसाब से ही वो एक्ट करता है। जितना जितना उसके प्रोग्राम में कंप्यूटर के लिखा होता है, कंप्यूटर उतना उतना ही चल सकता है, अपना खुद का कोई दिमाग नहीं लगा सकता, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे आर क्यू से बनता हुआ चला जाएगा, आर क्यू पी एस। नेक्स्ट पर आ जाइए, करिए इस क्लोज टेस्ट को। इस क्लोज टेस्ट को करके दिखाइए जरा। लास्ट 30 सेकेंड्स। ये मोहम्मद भाई पिछली 10 क्लास से यही पूछ रहा है, सिलेबस की क्लास कब होती है, सिलेबस की क्लास कब होती है। बच्चे पेड में तो सिलेबस की क्लास होती है 8 से 10 रात को, और फ्री वाला नया मेरा यूट्यूब चैनल है अमन वशिष्ठ सर इंग्लिश, उस पे आपका पूरा ग्रामर का कोर्स पड़ा है, वहां से अपना देख लो पढ़ लो। चलो जी करें कार्रवाई शुरू, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21। पोल चल रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25। इसके बाद पी क्यू आर एस भी कराऊंगा, चार पांच पी क्यू आर एस भी होंगे, कहीं क्लास यहीं खत्म समझ लो। इन 25 का लीडर बोर्ड देख लो, कल्पेश 25, जैन 24, नवरिया 23, निखिल 22, सारिका 20, नवीन 19, अमन यादव 19, सुधीर 19, हुडविंक 18, अभिषेक 18। चलिए, नेचर जो है चुपचाप मुंह बंद करके अपना सफर कर रही है सैकड़ों सालों से, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, सीरियस प्रपोर्शन, अब जिन लोगों ने लगाया है रिसीव करना, इसने सीरियस प्रपोर्शन को रिसीव नहीं किया, इसने सीरियस प्रपोर्शन को गास्प, मतलब होता लंबी लंबी सांस लेना, कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा, डिड नॉट बिकम सीरियस, हो सकता था अगर सिर्फ सीरियस तक होता है, लिंकिंग वर्ब है ये, प्रॉब्लम प्रपोर्शन थोड़ी है, प्रॉब्लम अटेन करेगी सीरियस प्रपोर्शन को, प्रॉब्लम पहुंचेगी सीरियस लेवल तक, सीरियस प्रपोर्शन मतलब सीरियस रेशियो तक, सीरियस नंबर तक। अज्यूम करने का मतलब होता है एक तो अंदाजा लगाना, और एक अज्यूम इफ यू, जैसे आपने कहा होगा कि वो राष्ट्रपति की सीट को अज्यूम करेंगे, यानी वहां पर जाकर बैठेंगे, यानी किसी पोजिशन को अटेन करना, अज्यूम का मतलब एक अटेन भी होता है, तो यहाँ पे आंसर आएगा जी अज्यूम किया, सीरियस लेवल तक नहीं पहुंची थी, प्रॉब्लम जो है सीरियस लेवल तक नहीं पहुंची थी, जब तक ये जो डैमेज है, ये डैश था और बियॉन्ड सेल्फ रिपेयर नहीं था, नेचर भी खुद को हील करती रहती है, रिपेयर करती रहती है, जब तक ये डैमेज कंटेनेबल था, इसे कंटेन किया जा सकता था और सेल्फ रिपेयर से पार नहीं था, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दीज लिमिट्स वर क्रॉस, ये लिमिट क्रॉस हो गई। कैसे क्रॉस हो गई? ना के बराबर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू से, हैबिचुअल ब्रेक थ्रू से, कॉमन प्लेस ब्रेक थ्रू से, कि जो स्पेक्टेकुलर बहुत बड़े बड़े जो साइंटिफिक ब्रेक थ्रू आए, दुनिया जान की मशीनें आ गई उन वजह से। डेवलप नेशन जिन्होंने सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाया इन इनोवेशन का, इन इनोवेशन से जिन्होंने सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाया, विच हु हम, तो इंसानों के लिए हु हम, हु सब इंसानों के लिए आते हैं, नेशन के लिए लगाना है विच, तो जिन्होंने सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाया उन्होंने ही सबसे पहले सामना किया। एनकाउंटर का मतलब यहाँ पे होता है सामना करना, वो यूपी वाला एनकाउंटर नहीं, सामना करना वाला मतलब है यहाँ पे, ठीक है। उन्होंने ही सबसे पहले सामना किया उन एनवायरमेंटल डिजीज का जो टेक्नोलॉजी के बढ़ने की वजह से लोगों को देखने को मिली। चलिए, इस पी क्यू आर एस को करके दिखाइए जरा, इस पैरा जंबल को सॉल्व करिए। सर मैंने 810 का कोर्स खरीदा है, सिलेबस क्लास ले सकता हूँ? नहीं, वो कोर्स की बच्चे उस कोर्स को देखना नहीं है, उसमें सिलेबस थोड़ी करना है, उसमें जो ग्रामर वो क्या प्रैक्टिस के बैच है उनको करना थोड़ी है बच्चे, उसको उसको एक फोन में डालो और फोन को बढ़िया अपना साइड पे बढ़िया सा मार्बल का फर्श बनवाओ, उसके ऊपर रखो, धूप अगरबत्ती करो, आ जाएगा उससे। क्या फालतू बात पूछते रहते हो यार बैठ के सारा दिन, रोज का धंधा बना रखा, 10 दिन से कमेंट कर रहा तू फालतू,
सिलेबस क्लास कब होती है? सिलेबस क्लास कब होती है वो रिकॉर्डेड कोर्स है, देख के नक्की कर उसको पढ़ना है तो। कोर्स लॉन्च करता हूँ 20 बार बताता हूँ, इस सीक्वेंस में देखना बच्चे, इसको ऐसे देखना, ये चीज यहाँ मिलेगी, ये चीज यहाँ मिलेगी। घर वाले मेरे कहते हैं कि बच्चे तेरे पास पढ़ते हैं वो मतलब सही में ग्रेजुएट लेवल के बच्चे हैं कि सेकंड थर्ड वाले बच्चों को पढ़ाता है, ऐसे डिटेल में क्यों बताता तू इतना? कोर्स लॉन्च हो रहा, सीधा बता ये सिलेबस लॉन्च हो रहा है, इतने रुपए का, इतनी वैलिडिटी, बात खत्म। मैं कहा नहीं मम्मी आप जानते नहीं हो, ये बताना पड़ता है इनको, ये थोड़ा है मेरे पास ऐसे वाले बालक भी, उसके बाद भी देख लो हद है। कोरवस लिखा हुआ, लेकिन कोरोना इतना फेमस हो गया पढ़ने में, बार बार कोरोना कोरोना पढ़ रहे होंगे काफी बच्चे इसको, है ना? मैंने पहली बार पढ़ा, मैं कोरोना पढ़ दिया था मैंने इसको। कोरवस एक स्मॉल कॉन्स्टिलेशन है, तारों का कोई पर्टिकुलर शेप का ग्रुप होता है ना, तो कोरवस एक स्मॉल कॉन्स्टिलेशन है साउदर्न सेलेस्टियल हेमिस्फेयर। ठीक है, अच्छा, इट्स नेम, इसके नाम का अर्थ है रेवन। रेवन एक टाइप का बर्ड होता है, इसके नाम का अर्थ है रेवन लैटिन में। ठीक है, इन इन बेबीलोनियन स्टार कैटलॉग, बेबीलोनियन ईरा के अंदर वो जो उन्होंने लिख रखे ना, जैसे अपने भी हिंदुओं के अंदर भी जो टेक्स्ट है उन्होंने बना रखे हैं, अच्छा तारों का ये मिल्की वे गैलेक्सी वैलेक्सी सब लिख रखी है उन्होंने, है ना? तो बेबीलोनियन स्टार कैटलॉग जो कि डेट करता है 1100 BC में, इट इज कॉल्ड, उसे कहा जाता था बेबीलोनियन रेवन। सबसे पहले कहा कि इसका क्या नाम है, इसके नाम का मतलब है रेवन। अच्छा, उस टाइम पे उस वाले कैटालॉग में इसका जो नाम है वो बेबीलोनियन रेवन लिखा हुआ है। कुछ आ रही है बात समझ? तो क्यू पी से बनता हुआ जाएगा, क्यू पी कहां पे, ये रहा ऑप्शन। नेक्स्ट पर जाइए, इसको करके दिखाइए जरा। कई बार क्या होता है बहुत इजी से हिंट होते हैं, बस देखने की देर होती है।
कितने बच्चों ने हिंट लगा लिया कि यहाँ फुल फॉर्म दे रखी है तो यहाँ से शुरुआत होगी, यहाँ फुल फॉर्म दे रखी है इसकी, ये जी सैट वन के आगे जियो इमेजिंग सेटेलाइट, इसकी जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पे दे रखी है आपको। इसरो ने लॉन्च किया है कि जी सैट वन जो कि एक जियो इमेजिंग सेटेलाइट है इस टाइम पे, तो पी से शुरुआत होगी अपनी, आगे बनता हुआ चला जाएगा। इसमें बताइए, हाँ जी, सबसे पहले ब्रांड का नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, जो क्रिएटर है प्रीमियम ब्यूटी ब्रांड शुगर के, ये आईएम अहमदाबाद के एलुमनाई है, विनीता सिंह और कौशिक मुखर्जी, ठीक है। अच्छा, एम था इसका ये देना, शुगर हैज बीन एबल टू अचीव अग्रेसिव ग्रोथ दिस, वो एक ऐसा समय जिसमें मार्केट जो है मेजर प्लेयर्स के द्वारा डोमिनेट करी जा रही थी, जैसे लैक्मे, लॉरियल और ये वो। इन 2012 में शुगर इंट्रोड्यूस हुआ, पहला इंट्रोड्यूस होगा तभी तो ये सब कुछ करेगा, पहले इंट्रोड्यूस तो करा लो। पहले इसने बोला कि इसके फाउंडर ये हैं। अच्छा, फिर ये बना 2012 में, तो क्यू पी से बनता हुआ जाएगा, यानी ऑप्शन बनेगा जी अपना ये। चलो जी बच्चे, जो ऑफर है 3600 में 2 साल का सब्सक्रिप्शन, इसकी लास्ट डेट 21 है, तो ध्यान रखिएगा, जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ये सारे बैचेस आप एक्सेस कर पाते हैं अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो, ये सारे बैचेस सारे फीचर्स इसी के अंदर होते हैं। उम्मीद करता हूं कि क्लास अच्छी लगी होगी, कल ऑफ रहेगा, परसों फिर ऐसे ही किसी ना किसी फ्री क्लास में आपसे मुलाकात होगी। कल ऑफ रहेगा, परसों फिर से ऐसी किसी न किसी फ्री क्लास में आपसे मुलाकात होगी। चलो जी, आज के लिए गुड नाइट, परसों मिलते हैं फिर।